हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, जिसमें आज आप सेल्स और टिश्यूज के विषय में पढ़ोगे। तो आज फर्स्ट टिश्यू हम शुरू करते हैं, उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक या त्वचीय ऊतक, जो त्वचा के ऊपर पाई जाती है या शरीर के सबसे ऊपरी भाग यानी त्वचा पर पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को से संबंधित बात करेंगे हम। उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक तो देह तरल फ्लूइड बॉडी और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, यानी पानी में भी रहता है और हवा से संपर्क में भी रहता है, ठंड से और समस्त वातावरणीय ताप वाले वातावरण से सीधे सीधे संपर्क में रहता है हमारा हमारी त्वचा। और इस प्रकार का देह का आवरण भी आस्तर लिनिंग का कार्य भी करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकाएं अधात्री इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है या जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। सरल उपकला व संयुक्त, सरल मीन्स सिंपल सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू स्किन टिश्यू, और दूसरा है कंपाउंड स्किन टिश्यू। सरल उपकला एक ही प्रकार का स्तर का बना होता है तथा देह गुहा वाहिनियों और नलिका का आस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, डिफेंसिव काम है, इसका डिफेंसिव वर्क है। जैसे कि हमारी त्वचा कोशिका के रक्षात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक तीन प्रकार के पाए जाते हैं, शल्की स्क्वेमस, उपकला घनाकार या क्यूबॉइड क्यूबॉइड, और उपकला तथा स्तंभाकार या कॉलमर कॉलमर, कॉलम से बना है कॉलमर, कॉलमर टिश्यू। तो ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कॉलमर टिश्यू, घनाकार टिश्यू और शल्की, ये तीनों हैं। ठीक है, शल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसमें किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है और ये विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला या ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों वाहिनियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। वृक्कों में समीपस्थ वलेत कॉनुकुलेटेड सूक्ष्म नलिकाओं की उपकला में सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई होते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी व पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका, न्यूक्लियस की बात हो रही है, केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में रहता है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं। ये श्रवण और अवशोषण में सहायक होते हैं। इन पक्षमाकार स्तंभाकार व घनाकार कोशिकाओं कि मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं, पक्षमाभी या सिलिएटेड उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा या चिकना पदार्थ, श्लेष्मा मीन चिकना, स्टिकी को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। यह मुख्यतः श्वसनिका ब्रोंकियल तथा डिंबवाहिनी जो कि फीमेल ऑर्गन होता है, डिंबवाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।